खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से, जहां पुलिस ने अवैध शराब के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बेमेतरा सिम्बगा मार्ग पर अवैध रूप से शराब ले जा रहे युवक को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस की टीम ने वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान बाइक चालक दिलीप बंजारे उसलपुर को और चेकिंग के लिए रोका गया, जिसमें अवैध रूप से 34 बोतल शराब मिली, जिसकी कीमत लगभग 4500 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पेट्रोलिंग पार्टी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दिलीप बंजारे नाम का व्यक्ति जो है, जो उसलापुर थाना चन्नो एरिया का रहने वाला है, वो अक्सर यहाँ से शराब लेकर आता है, जिसकी सूचना पर मुखबिर लगा के उसे रेड कार्रवाई कर पकड़ा गया है। पकड़ने पर उसके पास जो है अवैध रूप से बिक्री करने हैं तो 34 पौवा देसी शराब मिला है, जिस पर थाना कोतवाली में 34 की कार्रवाई की जा रही है।